हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज का वीडियो बनाने का एक बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है, हम लोग बात करने जा रहे हैं डिजिटल एरा के बारे में। डिजिटल एरा वो एरा है जहाँ पे हम आप हर पे इस टाइम जी रहे हैं, अपनी जो डेली डे टू डे लाइफ है उसको हम लोग डिजिटली जी रहे हैं, चला रहे हैं, और वो हमारे एक जिंदगी का हिस्सा बन चुका है टेक्नोलॉजी। आप सुबह उठते हो और रात को सोते हो, पूरा एंड टू एंड आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, मीडिया, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ इन्वॉल्व है आपका पूरा टेक्नोलॉजी के लिए। तो इस केस में जो इंसान टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा रहा है टेक्नोलॉजी के साथ, वो बहुत पीछे चल जाएगा। अभी अगर आप मान लो कि टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को नहीं रख रहा वो इंसान, तो वो समझ लो कि अपना 5 साल ऑलरेडी पीछे रख रहा है, 10 साल पीछे रख रहा है। लेकिन अगर वो इंसान कोई भी हो, अगर वो अपने आप को समझ लो कि अभी अगर सीख लेता है टेक्नोलॉजी को, इन्वॉल्व हो जाता है टेक्नोलॉजी के साथ, तो उसको आगे उतनी दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज जैसे जैसे साल बीतता जाएगा, महीने बीतते जाएंगे, टेक्नोलॉजी और एडवांस होती जाएगी और आपके नियत में आपके फ्रेंड हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, या जो भी आप किसी क्लोज वंस हो गए, आप जिसको जानते हो, जो कि डिजिटली एडवांस नहीं है, जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में उतना नहीं पता है, आप उनको बताओ। उनको जैसे बहुत लोग होते हैं जिनको व्हाट्सएप नहीं पता कैसे ऑपरेट करते, बहुत लोग को है कि मतलब गूगल मैप ऑपरेट नहीं कर पाते, यूट्यूब नहीं चला पाते, फेसबुक नहीं चला पाते। लेकिन होता ना कि आपको लगेगा कि यार कौन सी बड़ी चीज है, लेकिन ये उनके लिए बड़ी चीज है जिनको आता नहीं है। आप सोचो कि क्या कर लेंगे, जान के बहुत कुछ कर सकते हैं, सोसाइटी के साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं, एडवांसमेंट जिस तरीके से टेक्नोलॉजी हो रही है उनको वो समझ सकते हैं, उनके साथ वो आज के जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ वो अपने मतलब उनके सोच के साथ अपने आप को रख सकते हैं। बिकॉज जो यंगस्टर्स हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, और जो सीनियर लोग हैं मीन्स 40+ या 50+, वो अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ उतना इन्वॉल्व नहीं किए। तो ऐसे केस में क्या होता है, एक जनरेशन गैप तो होता ही है, टेक्नोलॉजी गैप ही होती है। तो जनरेशन गैप, टेक्नोलॉजी गैप, एज गैप, तो इतना जब ज़्यादा गैप बढ़ जाएगा ना, तो वैसे केस में क्या होता है कि एक नेचुरल गैप फिक्स हो जाती है जो बनी रहेगी आप और आपके बीच में, और आपसे जो अगर छोटा है उनके बीच में जिसको टेक्नोलॉजी नहीं पता। बहुत से सीनियर सिटीजन भी हैं जिनको आता है अच्छे से हर चीज ऑपरेट करना। तो आप अगर मान लो 50 साल के दो व्यक्ति हैं, एक व्हाट्सएप, यूट्यूब और ईमेल, गूगल मैप सारा ऑपरेट करना जान रहा है, और एक आदमी कुछ भी नहीं जान रहा है, तो दोनों को एक अननोन स्ट्रेंज प्लेस पे भेज दिया जाए और वहां पे कोई मतलब इंसान ना हो या गिने चुने इंसान हो जो कि उतना, या वहां जाओ वहां के आप मतलब लोग हो लेकिन वहां पे आपको नो भाषा समझ ना आए वहां की, तो वहां पे जो टेक्नोलॉजी के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा इंसान, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन जो टेक्नोलॉजी के साथ इन्वॉल्व है वो इजिली गो थ्रू कर जाएगा इन कंपेरिजन टू पर्सन हु इज नॉट इन्वॉल्व विद द टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को आगे बढ़ाओगे तो ये आपको खुद को डेवलप करने में मदद करेगा। आप ये मत सोचो कि मैं क्या करूँगा सीख के, या कोई आपको सिखाएगा तो आप जिद कर लो कि नहीं मैं क्यों सीखूं, मेरा फायदा क्या है। तो अगर ऐसा आपका जिद है तो उसको बदल दो, पहला चीज। दूसरी बात कि मैं उन लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग मतलब टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से नो अवेयर है, हर चीज जानते हैं चलाना, अगर आपको आता है तो आप किसी व्यक्ति का मदद कर सकते हो तो आप बहुत अच्छा काम करोगे आज के डेट में। लोग बोलते हैं ना कि अच्छे काम करते रहने चाहिए, तो आज के डेट में ये भी एक अच्छा काम ही है कि आप किसी को डिजिटली इम्प्रूव करवा दो, क्योंकि आप उसकी मदद कर रहे हो डे टू डे उसकी लाइफ में आगे बढ़ने में, जो कि बहुत जरूरी है। अभी मैं एक आप लोग को इंसिडेंट बताता हूँ कि पिछले महीने मैं ट्रेवल कर रहा था दिल्ली टू लखनऊ, तो ट्रेन में
दो मिलियन सीनियर सिटीजन थे लगभग 60-65 साल के, तो उनके पास टिकट था, पेपर टिकट, बट वो किसी वजह से खराब हो गया था। और उनके पास मोबाइल में टिकट था, उनको ऑपरेट करना नहीं आता था कि वो टिकट दिखा पाए टीटी को। तो टीटी ने को जब अपनी बात बताया कि मेरे मोबाइल में टिकट है, मुझे पता नहीं कैसे देखते हैं, तो टीटी भाई अच्छा इंसान था एक, तो वो देख के बता दिया कि हाँ टिकट है, उनको ट्रेवल करने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर उनको नहीं पता होता कि ऐसा कुछ होता है टेक्नोलॉजी की, हम मोबाइल में टिकट ना ट्रेवल लेके चल सकते हैं या मोबाइल से कैसे एक्सेस करते हैं, अगर टीटी को भी इसकी उतनी नॉलेज नहीं होती कि मोबाइल कैसे ऑपरेट करते हैं, तब वो टीटी कैसे चेक करता, टीटी के लिए भी दिक्कत हो जाती। और दिक्कत बेसिकली होता पैसेंजर के लिए, लेकिन अगर पैसेंजर खुद अगर अवेयर रहता है टेक्नोलॉजी से, तो इजिली टिकट टीटी को दिखाता कि ये टिकट है मेरे पास, आप मुझे जाने दो। तो बेसिकली अगर हो सकता उनके लड़के ने उनको सिखाया ना हो, या उनको खुद शौक ना हो सीखने का, या उनको कोई सिखाने वाला ना मिल रहा हो, तो अगर भाई आपके नॉलेज में कोई ऐसा इंसान है, आपके क्लोज में फ्रेंड्स है, आपका फैमिली मेम्बर है, या जिसको आप जानते हो, जिसकी आप मदद कर सकते हो, जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में उतनी जानकारी नहीं, आप उसको दो जानकारी, उसको व्हाट्सएप चलाना सिखा दो, और आप यूट्यूब गूगल मैप्स ये सब ऑपरेट करना सिखाओ। अगर आप नहीं सिखा पा रहे हो उनकी बात, तो आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो मदद कर सके सिखाने में, उससे आप उनका इंट्रैक्शन करवा दो। और अगर कोई सीनियर सिटीजन ऐसे हैं या कोई यंगस्टर ऐसा है जो बोलता है कि मैं क्या करूंगा सीख के, तो मेरे फ्रेंड आप लोग को मैं बता दूं कि आज के डेट में आप अगर टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ोगे, तो आप बहुत पीछे छोड़ जाओगे, दिक्कत आपको होगी, किसी और को नहीं होगी। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन हु इज वॉचिंग माय वीडियो कि आप अगर टेक्नोलॉजी से अपने आप को इंट्रैक्ट करवाओगे, इन्वॉल्व करोगे, तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी, चाहे आप किसी भी एज में हो। और दूसरी बात, अगर आपके अंदर जिद है कि मैं क्या करूंगा सीख के, मैनुअली काम करना अच्छा लगता है, मैं पेपर टिकट लेके ही ट्रेवल कर लूंगा, तो कहीं ना कहीं आप दिक्कत में फंसोगे, तब आपको निकलने में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई साधन है जहां से आप सीख सकते हो, तो आप सीखो और अपने आप को डिजिटली एडवांस बनाओ। इवन व्हाट्सएप, गूगल मैप्स, यूट्यूब, तो ये सब तो एक अलग चीजें हो गई। आप अगर आपका जो बेसिक है, जो जिससे सारा जीवन का काम चलता है, पैसा, आप अगर एटीएम जाने लायक नहीं हो, आप किसी कारणवश आपका पैर टूटा हुआ है कुछ है, तो अगर आप किसी को पैसा भेजना, अगर आप मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग ऑपरेट करना जानते हो, तो आप पैसा कहीं भी किसी भी तरीके से भेज सकते हो, जो कि कुछ मिनट का काम है, मिनट भी नहीं लगेगा वो अगर आप ऑपरेट करना जानते हो तो। आपको ये सब चीजें अगर आ जाएंगी, तो आपकी लाइफ खुद आरामदेह हो जाएगी, आप अपने लाइफ को कहीं एक स्मूथ वे में लेके जा सकोगे। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी वीडियो देख रहा है मेरा, काइंडली टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को एडवांसमेंट और जो इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, उसको आप सीखो। नहीं सीख पा रहे हो तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क कर लो जो कि आपको मदद करे सीखने में। सो क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को पूरा एक इन्वॉल्व अगर नहीं करोगे, तो आप पीछे छूटते चले जाओगे और जमाना आगे बढ़ता चला जाएगा और दिक्कत आपको होगी। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन हु इज वाचिंग माय वीडियो, काइंडली इन्वॉल्व योरसेल्फ विद टेक्नोलॉजीज और धीरे धीरे सीख लो। कोई ऐसा नहीं कि मतलब सीखने की कोई एज नहीं होती है, चाहे आप छोटे हो चाहे बड़े हो, थोड़ा समय, आप बड़े हो सकता है आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समझोगे तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो, काइंडली डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू ऑल।